ಈಶ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಭಜನೆ ಆಶೆಯಿಂದ ಮಾಡುವೆನು ದೋಷ ರಾಶಿ ನಾಶ ಮಾಡೋ ಶ್ರೀಶ ಕೇಶವ. नमस्कार, मैं आप सबको फिर से उडुपी की कृष्णा टेम्पल के सामने विराजमान हूँ और भगवान कृष्ण मेरे सामने हैं. लेकिन इस स्थान जो भक्त गौरव है, प्रकांड कृष्ण भक्त है, वैष्णव है, जिनको इतिहास में जिनका इतना बड़ी नाम है भक्त के नाम पे, आप देख सकते हैं मेरे पीछे कृष्ण गौरव भगवान कृष्ण दास जी का स्टैचू है, कनक दास जी का स्टैचू है. आपको मैं बता दूं कि कनक दास जी क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं थे तो उनको मंदिर के अंदर मेन दरवाजा में अलाव नहीं था. तो भगवान ये अपना कनक दास जी ने यहाँ पर कृष्ण को प्रार्थना किया, तपस्या किया, आराधना किया और वो मंदिर का जो मुख्य दरवाजा है वो अपने आप खुल गई. और इसीलिए कोई भी भक्त बाहर से आते हैं या कोई भी वीवीआईपी जहां आते हैं तो पहले इसी दरवाजे पे कृष्ण जी का दर्शन करने का एक अलग महत्व है. तो आइए जानते हैं, आचार्य जी से पूछते हैं कनकदास जी के बारे में और यहां की जो दर्शन है उसके बारे में. आचार्य जी आप बताइए. हमारा मध्वाचार्य जी का परम्परा में एक संस्कृत साहित्य का वेदांत साहित्य है और एक है लोकल लैंग्वेज कन्नड़ का परंपरा है स्क्रिप्ट्स, उसका नाम है हरिदास परंपरा. हरिदास परंपरा में बहुत लोग क्रांति किया है, भक्ति क्रांति किया है. उसमें एक अग्रगण्य है कनकदास, भक्त कनकदास है. कनकदास कृष्ण का अनन्य भक्त है. कनकदास उडुपी आया था, उडुपी में कृष्ण दर्शन के लिए वो अनुसंधान किया और यहाँ से भजन किया. कनकदास जी का बहुत फेमस कीर्तन है, इधर भजन किया. वो कीर्तन थोड़ा आप गा सकते हैं क्या, एक लाइन जो लोकल लैंग्वेज में कन्नड़ में? ईश निन्न चरण भजने आशयिंद माडुवेनु दोष राशि नाश माडो श्रीश केशवा, ऐसा है. टोटल चतुर्विंशति मूर्ति का अनुसंधान किया है कनकदास जी ने. यहाँ से कृष्ण दर्शन हुआ उनको, इसलिए कनक गोपुर है, कनक खिंडी इति हमारा लोकल लैंग्वेज में प्रसिद्ध है. सब लोग यहाँ से प्रथम दर्शन करके अंदर जाना नियम है और इसलिए अखंड भजन भी होता है हरिदास साहित्य का. उडुपी का ऐसा है, भक्त कनकदास का ये तपस और ध्यान का केंद्र है. ये आपने सुना आचार्य जी से, भक्त और भगवान के अंदर जो एक अंतरंग संपर्क है कितना घनिष्ठ होता है, ये भारत की हर मंदिर में आपको देखने को मिलेगा. जगन्नाथपुरी में आप जाएंगे, कोई भक्त अगर अपने खेत में बैठ के दशावतार गान करता है तो भगवान अपना मंदिर छोड़ के वहाँ जाके दशावतार सुनने पहुँच जाता है. यहाँ उडुपी में हमने देखा भक्त कनकदास जी जब यहाँ बैठ के कृष्ण का भजन करता है, कृष्ण को पूजा करता है तो भगवान का मंदिर का दरवाजा खुल जाता है. और ये भक्त और भगवान और ये जो समाज में हमारा जो विश्वास है ये सचमुच में अद्भुत है. और ये आचार्य जी ने बताया और ये कृष्ण मंदिर के सामने आप सुन पा रहे होंगे कि यहाँ 24 घंटा कृष्ण भजन महिला लोग, हमारा बड़े बहन लोग यहाँ कृष्ण भजन गान कर रहे हैं. मेरे बाएं तरफ आप देख सकते हैं बिठल श्री श्री सिरूर मठ है और उधर हमने पीछे देखा पेजावर मठ है. तो मंदिर के चारों तरफ जो है 8 मठ विराजमान है, 8 मठ में 8 पूज्य संत है और जो गुरु परंपरा है वो गुरु परंपरा का एक यू कैन से एक बेस्ट एग्जांपल अगर कहीं देखने को मिलता है उडुपी का कृष्णा टेम्पल में देखने को मिलता है. और हर दिन भगवान में अभी हम दिखाएंगे आपको दो रथ है, एक रथ भगवान कृष्ण जी का है, दूसरा रथ हनुमान जी का है जो अयोध्या से हनुमान जी आए हैं. और भगवान रोज कृष्ण भगवान इस रथ में बैठ के यहाँ चारों तरफ प्रदक्षिण करते हैं.
ये कृष्ण का महिमा है। पहले बोल चुके हैं कि ये अन्न ब्रह्म है कृष्ण। फिर हम आगे चलते हैं और बाकी चीज़ें आपको बताते रहेंगे। अभी उदय इंडिया के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।